रीना मूड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में कि ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से हम वेट को कम कर सकते हैं, या फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि एक दो ड्रिंक के बारे में है जिसको आप यूज करके आप अपने वेट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, जिसको बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है, लाइफ स्टाइल एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो वेट है वो बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। अगर आप कॉजेज को कम कर लेंगे, जो कारण है जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है उसको अगर आप कम कर लेंगे तो वेट को थोड़ा कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। तो अगर आप अपनी डाइट में चावल ज़्यादा ले रहे हैं, चावल में भी स्पेशली अगर आप वाइट राइस ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये आपकी वेट को काफ़ी बढ़ा देता है, बहुत जल्दी से वेट को इनपुट करता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में आलू ले रहे हैं, आलू भी वेट को बहुत जल्दी बढ़ाता है। घी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप अपनी डाइट में, तो घी भी वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके साथ अगर आप शक्कर ले रहे हैं, शक्कर का नॉर्मल, जैसे अगर आप स्वीट्स ज़्यादा ले रहे हैं, मीठे के शौकीन हैं, फिर अगर आप चाय का इंटेक आपका ज़्यादा हो जाता है तो इससे भी आपके बॉडी में शुगर जाएगी जो वेट को काफ़ी बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा लिथार्जी है, बहुत ही आप सेडेटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, सेडेटरी लाइफस्टाइल यानी कि आप बहुत लेट नाइट तक काम करते हैं, फिर आप लेट नाइट तक सोते हैं, फिर अब तो आपका खाने का वो शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड जो आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम हो जाती है, इसकी वजह से जो वेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपका वाटर इंटेक बहुत कम है तो ये भी वेट बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका होती है पानी की। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं तो इससे जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, जो वेट को काफ़ी बढ़ा देती है। इसके अलावा हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वेट को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें और अपने जो लाइफस्टाइल है उसको अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करें तो वेट को बहुत ही जल्दी से आप कम कर सकते हैं। तो डाइट की अगर हम बात करें तो अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन वाली डाइट को ज़्यादा इंक्लूड करें, फाइबर वाली डाइट लें, तो फाइबर वाली डाइट की अगर हम बात करें, प्रोटीन वाली डाइट की बात करें, तो अगर आप मॉर्निंग में स्प्राउट्स ले रहे हैं वो भी विदाउट फ्राइड स्प्राउट, तो ये लेंगे आप तो आपको जो भूख है वो आपकी कंट्रोल रहेगी एंड जो आपका वेट है वो जल्दी से नहीं बढ़ेगा, उस पर काफ़ी कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा अगर आप जो लंच ले रहे हैं उसमें आप जैसे आप दो चपाती आप ले रहे हैं तो दो चपाती की जगह अगर आप एक चपाती ले लेंगे और उसके साथ आप सलाद ले लेंगे काफ़ी सारा एंड छाछ वगैरह ये ले लेंगे, तो आपको जो लिक्विड की पूर्ति भी हो जाएगी एंड जो आपका खाना भी हो जाएगा एंड जो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है जो वो आपके पेट में कम जाएगी, तो आपका वेट को इससे कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पिए, यानी कि आप फिक्स कर लीजिए कि आपको दिन में 5 लीटर पानी तो एनी हाउ पीना ही है, अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो ऑटोमेटिक आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने में आप देखेंगे कि आपका 2-3 केजी वेट कम हो जाएगा सिर्फ पानी के पीने से। तो आप अगर पानी को अगर आप दिन में 4 से 5 लीटर पानी पियेंगे तो आप अपने वेट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा खाना खा के आप तुरंत लेटे नहीं, खाना खा के आप टहलें, कम से कम खाना खा के 1000 कदम आप टहलें, एंड मॉर्निंग में आप जल्दी उठ के थोड़ा योगा एंड एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वेट को कंट्रोल करने में और आपकी बॉडी भी पूरे टाइम एनर्जेटिक रहेगी। तो ये आप अगर थोड़ी सी अगर टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप अपने वेट को जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इससे भी अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं होता है तो एक ड्रिंक बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि आपको 2 ग्लास पानी के लेने हैं, उसमें आप आधा नींबू काट के डाल दीजिए, नींबू आपको विद छिलका डालना है। इसके साथ अगर आप 1 चम्मच उसकी जीरे की डालेंगे तो जीरा क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है एंड जो डाइजेशन है उसको भी प्रॉपर करता है, तो जीरा बहुत ही हेल्पफुल होता है वेट को कंट्रोल करने में। तो आप नींबू एंड जो जीरा है 1 चम्मच उसको आप 2 ग्लास पानी के लीजिए, उसमें आप बॉईल कर लीजिए और जब 1 ग्लास बचे तो आप उसको छान के उसमें जब थोड़ा सा वो ल्यूकोम हो जाए तो उसमें आप शहद डाल सकते हैं।
शहद डाल के अगर आप पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये ड्रिंक आपको पीनी है एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक। अगर ये आप डेली लेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। 15 दिन में ही आप 3 से 4 kg वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रिंक है, मैंने खुद ने आजमाया है, बहुत ही इफेक्टिव है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ड्रिंक की बात करें तो अगर आप तेज पत्ता जो होता है वो भी वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, तो आप एक तेज पत्ता लें और इसके साथ 1 या 2 चम्मच आप सौंफ की ले लीजिए। इसको भी आप बॉईल करके, जैसे 2 ग्लास पानी के लेंगे तो बॉईल करो उसको, जब 1 ग्लास पानी का बच जाए तो उसको आप छान के थोड़ा लुकोम करके पी सकते हैं। ये भी आप एवरी मॉर्निंग पी सकते हैं एम्प्टी स्टोमक। ये भी आपको वेट लॉस करने में बहुत ही इफेक्टिव ड्रिंक है, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो ये आप करके अपने वेट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको आप अगर लोगे तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी एंड जो आपको वेट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेडिसिन का नाम है फाइटोलाका बेरी मदर टिंचर। इस मदर टिंचर का आप 15-15 बूंद आधा कप पानी में आपको दिन में 3 बार लेना है। और ये जो मदर टिंचर आपको लेना है वो खाना खाने से पहले लेना है। तो ये आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाएगा एंड जो आपके वेट को बहुत कंट्रोल करेगा। तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है वेट कंट्रोल करने के लिए, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। एंड अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।